कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं, दिल जो तेरा बात बात पे घबराए। हेलो बिल्लो, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और फिट फाट होंगे। आज आपका भाई एक नया चैनल का शुभारंभ किया है, सो होप करता हूँ कि आप मुझ पर ये प्यार बरकरार रखना अपने भाई पर। सो चैनल का नाम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि ये साला पीरियड सिर्फ लड़की लोगों को ही क्यों आता है, वुमेंस लोगों को ही क्यों आता है, लड़कों को क्यों नहीं। मतलब बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला, साइंटिफिक रीज़न तो सबको पता है, लेकिन जो मतलब वास्तविक बोलते हैं, जो काल्पनिक बोलते हैं, वो रीज़न मुझे हाल ही में पता चला, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सभी लोग कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन ये कष्ट सिर्फ लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को क्यों नहीं। ऋग्वेद के अनुसार एक बार इंद्रलोक पर राक्षस दल हमला कर दिए, तभी इंद्र ने इंद्रलोक छोड़कर सीधा भगवान ब्रह्मा के पास गई और उनका सलाह लिया कि क्या किया जाए। तभी भगवान ब्रह्मा ने उनको एक सलाह दिया कि उनको एक राक्षस के साथ मिलाया और बोले कि इनको अपना गुरु बनाना है और इनको सभी रिचुअल्स चीज़ें सिखाना है, यज्ञ सिखाना है। तो भगवान इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात मानते हुए उस राक्षस को अपना गुरु बनाया और उसको सभी कुछ सिखाया जो वो सीखे थे, यज्ञ रिचुअल्स एडवाइस सभी कुछ दिया। और फिर वो सिखाने के बाद फिर से वो दानवों के साथ लड़ने के लिए चले गए, लेकिन तभी वो जो राक्षस था ना जिसको उन्होंने सिखाया, वो एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण राक्षस ने क्या किया कि वो गया और अपने माँ को, राक्षसनी माँ को सब कुछ बता दिया जो कुछ वो सीखा था। ये बात जब इंद्र को पता चला तो इंद्र बहुत गुस्सा हो गए और वो सीधे गए उसे मार डाला। तभी उसकी माँ राक्षसनी जो थी फिर ढूंढने लगी कि वो मेरे बेटे को मारा है तो मैं भी उसे मारूंगा। तभी भगवान इंद्र ने ब्रह्मा के पास गए और पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो भगवान ब्रह्मा ने बताया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने एक ब्राह्मण को मारा है। तो उन्होंने एक एडवाइस दिया कि तुम अभी चले जाओ और भगवान विष्णु का त्याग करो। तो उन्होंने अपना इंद्रलोक छोड़ दिया और चले गए वहाँ से। 1,00,000 साल तक उन्होंने यह मतलब डिसाइड किया कि एक फूल के अंदर समा जाएंगे और भगवान विष्णु का तपस्या किया। तभी भगवान विष्णु ने जब प्रकट हुए उनके पास, तभी भगवान विष्णु ने बताया कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, यह पाप अनुक्रमणीय नहीं है, अनुक्रमणीय का मतलब इरिवर्सिबल नहीं है। तो उनको करना यह पड़ा कि उन्होंने यह एडवाइस दिया कि तुम्हें अपना यह जो पाप किए हो इसे भगवान के बनाए गए 4 पवित्र चीज़ों में बांटना होगा। भगवान के 4 पवित्र चीज़ कौन कौन सी? एक पृथ्वी है, एक समुद्र है, तीसरा ट्री है और चौथा नारी है। ये 4 भगवान की बनाई गई सबसे पवित्र चीज़ हैं। तभी भगवान इंद्र ने अपनी पाप को इन 4 चीज़ों में बांट दिया। इसीलिए अर्थ में अर्थक्वेक्स आते हैं और ओशियन में वेव्स आते हैं बड़ा बड़ा, और तीसरी ट्री में जब आप काटोगे ना उसको तो एक वाइट कलर पदार्थ होता है वो, और चौथी नारी में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भगवान इंद्र का दिया गया श्राप है, इसी के हेतु नारियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है और मर्दों में नहीं। लेकिन ये कैसा नाइंसाफी है भाई कि पाप करे कोई और भुगते कोई और, भुगते हमारे नारी। लेकिन मुझे ये फैक्ट सुनकर बहुत बुरा लगा भाई, सच में बताऊं। सो होप करता हूं कि ये फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस फैक्ट के बारे में पहले से ही आपको पता था तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू ऑल।